हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील प्रजापत स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो के साथ। क्या आपको पता है पृथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई? कौन था वह पहला मानव जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया? सबसे पहले इंसान इस धरती पर कैसे आया? ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में है और आप इन सवालों के जवाब तलाश रहे होंगे। इन सवालों का जवाब विज्ञान अपने अनुसार दे रही है तो धार्मिक ग्रंथ अपने हिसाब से। आज की इस वीडियो में हम दो मत आपको बताएंगे, एक धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। पृथ्वी पर मानव जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका सही और सटीक जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। विज्ञान और विज्ञान के वैज्ञानिक कितने प्रयासों के बावजूद भी इस सवाल का एकदम स्पष्ट प्रमाण नहीं दे पाए हैं। यह सवाल आज भी एक रहस्य बना हुआ है, मगर कई सदियों से मानव उत्पत्ति के बारे में दो मत चल रहे हैं, पहला धार्मिक और दूसरा वैज्ञानिक। मगर दोस्तों, इन दोनों मतों की तरफ से कोई सटीक प्रमाण नहीं है कि पृथ्वी पर इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई, और ना ही इनके पास कोई ठोस सबूत है। मनुष्य की उत्पत्ति का सिद्धांत हर धर्म के अनुसार अलग अलग है। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, क्या मनुष्य बंदर ही है जो आगे चलकर मानव बना, ऐसे बहुत सारे सवाल है जिनका जवाब विज्ञान अपने अनुसार दे रहा है तो धार्मिक ग्रंथ अपने अनुसार। हिंदू धर्म की माने तो मनुष्य बंदर का विकसित रूप नहीं है, और अन्य ग्रंथों की में भी मनुष्य और बंदर को अलग अलग बताया गया है। मनुष्य की आयु, लंबाई, चेहरा अलग था, लेकिन फिर भी मनुष्य बंदर जैसा दिखता है, तो वह आज भी वैसा ही दिख रहा है। बस फर्क इतना है कि मनुष्य के शरीर पर बालों की मात्रा कम हो गई है। जिस प्रकार आप दिखते हैं कि बंदरों की कई प्रजातियां होती है, अलग अलग प्रकार की नस्ल होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी कई प्रजातियां हैं, और वह प्रजातियां आज भी विद्यमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य की उत्पत्ति ब्रह्मा से हुई। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस सृष्टि का रचयिता भगवान ब्रह्मा जी है, और भगवान ब्रह्मा जी ने ही मनुष्य की उत्पत्ति की है, मगर विज्ञान इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। इतनी तरक्की के करने के बावजूद भी साइंस के पास मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में कोई भी ठोस सबूत नहीं है। मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में विज्ञान यह कहता है कि पृथ्वी के सभी जीव विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि छोटे जीव धीरे धीरे विकसित होकर या आगे चलकर मनुष्य बने हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य बंदर से लेकर मनुष्य बनने तक बहुत सारी अवस्थाओं से गुजरता है, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, और मनुष्य तक बंदर के शरीर में अनगिनत बदलाव आए हैं, और दिनों दिन मनुष्य के शरीर में बदलाव होते हैं, और यह प्रक्रिया काफी सदियों तक चली, और धीरे धीरे मानव का विकास हो गया। मतलब कि साइंस का मानना है कि मनुष्य की उत्पत्ति जीवों से हुई है। मानव जीव वन्य जीवों का ही विकसित रूप है, और यह एक प्राकृतिक क्रिया है, और यह क्रिया आज भी जारी है, मगर विज्ञान और धार्मिक ग्रंथों के पास प्रमाण है, सबूत नहीं है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई है। कई लोग मनुष्य को भगवान की देन मानते हैं, तो कई लोग प्राकृतिक प्रक्रिया मानते हैं, और कुछ लोग तो भगवान को भी बिल्कुल नहीं मानते। अब इंसानों की उत्पत्ति कैसे हुई है तो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। नई विज्ञान के पास कोई जानकारी है और नई धार्मिक ग्रंथों के पास कोई ठोस सबूत है। अगर आपके पास कोई जानकारी है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए, और यह भी बताइए कि आप विज्ञान को मानते हैं या धार्मिक ग्रंथों को। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप भी इस तरह की और दिलचस्प वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरी वीडियो तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।